हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज जो कि आपको शॉक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सामान्य व ओबीसी की सीटें हुई फुल। तो अब क्या करें, जैसे कि आपको पता ही है अभी तो फर्स्ट फेज का ही काउंसलिंग अभी ओनली हुआ है और अभी से बोल रहा है कि सीटें फुल हो गई हैं ओबीसी और जो सामान्य वर्ग के हैं उन कैंडिडेटों का। तो फिर अभी सेकेंड फेज बाकी है, अभी तो फर्स्ट फेज का दो चरण बाकी है, सेकेंड एंड थर्ड। तो उनमें क्या स्टूडेंट को ओनली प्राइवेट सीटें ही मिलेंगी? इसका मतलब क्या हुआ? यही तो हुआ ना कि जब सामान्य और ओबीसी की सीटें भर गई हैं फर्स्ट चरण में ही, फर्स्ट फेज के फर्स्ट चरण में ही, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब आपको क्या प्राइवेट में ही एडमिशन कराना पड़ेगा? तो आज मैं आपको देखिए इस वीडियो में वो सारी बातें बताने वाली हूँ जैसा कि ये न्यूज आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका काउंसलिंग हो गया है और अगर आपका रिजल्ट जारी हो गया है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये कहना है कि हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्लैंक दिखा रहा है, पर्सनल डिटेल्स नहीं शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और हो सकता है तो मैं आपके लिए उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी कि अगर आपका जो डिटेल है वो ब्लैंक कर रहा है, शो नहीं हो रहा है, कोई भी डिटेल्स दिखाई नहीं रहा कि आपको प्राइवेट मिला है या फिर सरकारी कॉलेज, तो अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी कि आपको क्या करना है, फिर आप क्या दोबारा काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सामान्य व ओबीसी की सीटें हुई फुल, ये न्यूज आई है, आज ही की है। d.el.ed 2019 संस्था आवंटन के पहले चरण में ये दो वर्ग की भर गई सभी सीटें, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है मैं आपको यूपी d.el.ed से सारी जानकारी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यूपी d.el.ed से आपको सारी जानकारी मिलती रहे और आप कोई भी गलती ना करो, ठीक है। और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला गया है प्रयागराज ब्यूरो, ठीक है, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की, जैसे कि आपको पता ही है ये दो वर्ष का d.el.ed डिप्लोमा कोर्स होता है, तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम d.el.ed 2019 जोरदार स्टार्ट हुआ है, इसमें साफ साफ बोला गया। और संस्था आवंटन के पहले ही चरण में प्रदेश भर का जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डायट में सामान्य व पिछड़ा वर्ग की सभी सीटें भर गई है। अब बताइए अब क्या होगा, अभी तो फर्स्ट फेज का ही तो काउंसलिंग चल रहा था ना, अभी उसमें फर्स्ट चरण का ही काउंसलिंग हुआ था, अभी सेकेंड और थर्ड बाकी है, तो क्या उन स्टूडेंट का क्या होगा, ठीक है। आप देख सकते हो अब दूसरे चरण में अब जो एससी और जो एसटी कैंडिडेट है उनको अभी चांस मिल सकता है क्योंकि अभी उनकी सीटें खाली हैं, अभी उनकी सीटें फुल नहीं हुई, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन जो सामान्य और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा, क्या अब उनको प्राइवेट ही में एडमिशन लेना पड़ेगा? आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएगी, आप देख सकते हो। और इसमें क्या बोला गया है आप देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट है, यहाँ बोला गया है कि आज से दूसरे चरण के लिए चुने संस्था, मतलब कि आप कल से कर रहे हो ना, 20 तारीख से आप कर रहे हो, तो आप अगर फर्स्ट फेज में अगर आपका रैंक 25,001 से लेकर 1,15,000 के बीच में है तो आप काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो रैंक है तो आप सेकेंड फेज में काउंसलिंग करा सकते हो और अभ्यर्थी अपनी पसंद की संस्था लॉक कर सकते हैं। साथ ही पहले चरण में विकल्प भरे न भर पाने पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें संस्था आवंटित न हुई। वह तीसरा चरण 26 जुलाई से शुरू होगा, तीसरा चरण जिसका 1,15,001 से लेकर 2,50,000 के बीच में रैंक है, 50,000 के बीच में रैंक है, वो आप 26 जुलाई से काउंसलिंग करा सकते हो, थर्ड काउंसलिंग होगा, ठीक है। और आप इसमें देखो सोमवार से आप प्रवेश भी ले सकते हो और 21 जुलाई से 4 अगस्त तक शाम 5 बजे तक संबंधित इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी, ठीक है। और देखिए इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, मान लो अगर आपका रिजल्ट शो हो रहा है, जिसका हो गया उसका तो बढ़िया, मन पसंदीदा कॉलेज मिल गया,
तो भी बढ़िया, लेकिन जिसको नहीं मिला है अब वो उसी में एडमिशन कराएगा प्राइवेट में, और जिसका सो ही नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है ना, तो आप अपना काउंसलिंग कर सकते हो। जिसका कॉलेज अभी अलॉट नहीं हुआ, आपने ओनली डायट कॉलेज ही फिल कर दिया था, प्राइवेट आपने फिल नहीं करा था कि मुझे प्राइवेट नहीं चाहिए मुझे डायट ही चाहिए, लेकिन आपका मेरिट उतना नहीं बना कि आपको डायट कॉलेज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इसीलिए आपका जो डिटेल्स है वो शो नहीं हो रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। तो बस आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन देना था, और भी आपको ये सारी बातें डिटेल्स में जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए एक नई वीडियो एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।